जय श्री राम। मित्रों, बाबा का आशीर्वाद। एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके प्रश्नों में से हमें प्रश्न प्राप्त हुआ कि दीपक में बनने वाले जो फूल हैं, उसमें यदि माता की जिह्वा, यदि माता की जीभ, टंग अगर आपको दिखाई देती है या वह फूल ऐसा बनता है जिसमें माता की जीभ है, तो उसका क्या संकेत है, शुभ या अशुभ। इस प्रकार से जो प्रश्न आए हैं उसके लिए आपकी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। दीपक में जब बनता है फूल और उसमें माता की जिह्वा आपको दिखाई देती है, तो हम आपको बता दें वो जिह्वा आपको लहराते रूप में भी प्राप्त हो सकती है या केवल स्टिक रूप में भी प्राप्त हो सकती है। माता रानी की जीव यदि आपको दिखाई दे रही है, तो आपके द्वारा जो साधना की गई है, माता रानी ने उसे स्वीकार किया है। और आप जानते हैं जब सती के यज्ञ में कूद जाने के कारण उन्होंने अपना शरीर का दाह किया था और स्वरूप को विदीर्ण कर दिया था, तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें उठा करके जगत में घूमने लगे। और भगवान विष्णु के कारण, भगवान विष्णु ने जब अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो शरीर के विग्रह कर दिए थे माँ पार्वती के। तो उस जले हुए शरीर के माँ के जो 51 विग्रह किए गए, उन्हीं से बने हैं 51 शक्ति पीठ। उन 51 शक्ति पीठों में माता रानी के अलग अलग अंग गिरे हैं। जब कभी भी दीपक में फूल बने और माँ की जिह्वा का आपको दर्शन होता है, तो आप समझ लें कि माँ के जो अलग अलग कृपा निधान, माता रानी के अलग 51 शक्ति पीठ हैं, उन्हीं में से जहाँ पर जिह्वा का शक्ति पीठ है, वहाँ से शक्ति आपकी ओर माता रानी ने अग्रसर की है। और अलग अलग कोई भक्तजन है जो माता रानी की आराधना करते हैं और उनके लिए ज्योत जगाते हैं, तो उसमें उनके माता रानी के भी दर्शन हो सकते हैं। माता रानी के आयुध जो हैं, त्रिशूल हैं या तलवार हैं या चक्र है, उनके भी दर्शन हो सकते हैं। या माता रानी हाथ में फूल लेकर भी कई विग्रह में हैं, तो वो फूल के भी दर्शन हो सकते हैं। माता रानी की आँखें भी आपको ज्योत में दिखाई दे सकती हैं। हमारी YouTube की शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में आपको दिखाई गई हैं ज्योत में किस तरह से माता रानी की आँखें बनती हैं, कैसे ज्योत में माता रानी का शेर की मुख्य कृति बन सकती है, कैसे माता रानी के हाथ का जो कमल का फूल है वो भी आपको ज्योति के फूल में प्रकट हो सकता है, कैसे अलग अलग आकृतियां बनती हैं। आप पर माता रानी की जब कृपा होती है, तो माता रानी की कृपा से कौन कौन से, जैसे उनके हाथ में त्रिशूल भी होता है तो त्रिशूल की आकृति भी बन सकती है, गदा होती है माता रानी के हाथ में, गदा की आकृति बन सकती है, या आप कोई और ऐसे आराध्य देव की पूजा आराधना करते हैं तो उनके भी श्री विग्रह से ऐसे अलग अलग आयुध आपकी ज्योति के फूल में बन सकते हैं। यदि आप उसको समझने में असमर्थ हैं, तो हमारी इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप फोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारी लाइव में भी जुड़कर अपनी समस्याओं के लिए, अपने प्रश्नों के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जुड़ सकते हैं लाइव में। और यदि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी समस्याएं भेजते हैं इसी वीडियो के अंदर, तो भी आपको उसका समाधान या मार्गदर्शन उचित किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएंगे, ऐसा हमें आपसे उम्मीद है, विश्वास है। माता के जो गण होते हैं, जैसे शेर, तो शेर की सवारी करती हैं माता रानी, तो माता रानी के जो अलग अलग रूपों के अलग अलग सवारियां हैं, उनके भी आपको दीपक के अंदर फूल बनकर दर्शन हो सकते हैं। या आपको अपने जो अन्य वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि जब आप अपने आराध्य देव की पूजा आराधना करते हैं और पूजा करते करते आपको यदि तंद्रा आ जाती है, जो सोने से पहले की अवस्था है, परंतु पूजा माला अर्चना करते हुए, पाठ करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए आपको हल्के हल्के से लटके आने लगते हैं, उसमें भी माता रानी आपको कई तरह के संकेत दिखा सकती हैं। भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है उससे संबंधित कोई युक्ति आपको सुझा सकती हैं। तो जब जीव की आकृति आपकी दीपक के फूल में बनती है, तो माता रानी की आप पर एक विशेष कृपा होने वाली है, कोई विशेष मंगल आपके घर में होने वाला है, जिसके लिए माता रानी ने अपने एक शरीर के अंग से आपके दीपक में फूल बनाकर संकेत दिया, अपना आशीर्वाद भेजा है।
जीव बनने का मतलब आपके सारे काम बनने वाले हैं, रुके हुए जो काम थे आपके या रोगों से आपको मुक्ति चाहिए थी, उस तरह का कोई ना कोई आपके घर में जो कष्ट क्लेश तकलीफ थी उससे संबंधित आपको निवारण होने वाला है, सभी बाधाएं आपकी दूर होने वाली हैं। इस तरह से दीपक में अलग अलग कौन कौन से फूल बन सकते हैं या किन्हीं अन्य भक्तजनों के बने भी हैं या नहीं बने हैं, इसके लिए भी आप हमारे शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस में देख सकते हैं। दीपक की आकृति पर बनने वाले अलग अलग फूलों से संबंधित अभी तक 40-50 वीडियोस हम डाल चुके हैं, जिसमें अलग अलग दीपक के बनने वाले फूल भी आपको दिखाए गए हैं। गणपति जी का भी विग्रह दीपक के फूल में कई बार बनता है, हनुमान जी का भी बना है और माता भगवती का बना है। हवन करते समय भी जैसे आप उसकी बीच बीच में फोटोज या वीडियोस लेते हैं तो उनमें भी कई आकृतियां उभर कर सामने आती हैं जो आपके इष्ट देव, कुलदेव, आराध्य देव होते हैं। तो उनकी साधना जितने आप सच्चे दिल से करते हैं, जितने आप अच्छे प्रकार से अपनी तन्मयता दे करके अपना पूरा जो समय लगाते हैं आप, उस समय का यदि सटीक उपयोग करते हुए, ऐसा नहीं कि आप जप रहे हैं माला और चिंता हो रही है व्यापार की, चिंता हो रही है दुकान की, चिंता हो रही है अपने बच्चों की, चिंता हो रही है अपने घर परिवार की, या कोई गेस्ट आने वाला उसके बारे में सोच रहे हैं, या कहीं जाने वाले हो आप तो वहाँ पर क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस तरह की पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप भगवान की पूजा आराधना के लिए ज्योत के लिए बैठते हैं तो उनकी पूजा आराधना के लिए चाहे आप एक मिनट दें, चाहे पाँच दें, चाहे दस दें, चाहे आधा घंटा, लेकिन वो समय सिर्फ उन्हीं के लिए ही दें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, ये आप समझ लें। तो माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफल बनते रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आप कांटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हमने आपको फ़ोन नंबर भी बताया है, 9467820285, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि पसंद आया है तो शेयर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने समस्याओं के लिए इंस्टा आईडी या यूट्यूब की लाइव में भी जरूर जुड़ें। जय श्री राम, जय माता।